नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक अमानत में खयानत का मामला सामने आया है। एक पीड़ित व्यक्ति ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि उसने अपने मिलने वाले को ट्रैक्टर काम के लिए दिया था। जब उनसे वापस मांगा गया तो उसने मना कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां उत्तर प्रदेश से इंदौर अपना ट्रैक्टर लेकर आए नंद किशोर ने बताया उसने अपना ट्रैक्टर पप्पू ठाकुर नामक युवक को काम के लिए दिया था, जो वो ईंट भट्टे का कार्य करता है। जब नंद किशोर ने अपना ट्रैक्टर पप्पू ठाकुर से वापस मांगा तो वो मना करने लगा, जिसके बाद नंद किशोर ने इसकी शिकायत बाणगंगा थाने में की। नंद किशोर की शिकायत पर पप्पू ठाकुर के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये एक फरियादी है, नंद किशोर अहिरवार, और ये ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये यहाँ इंदौर में अपना ट्रैक्टर लेके आए थे, और ये जो ट्रैक्टर है ये इन्होंने भीमसेन और पप्पू ठाकुर हैं, बहंगिया के रहने वाले हैं, इनको काम के लिए दिया था। इनका ईंट भट्टे का काम वगैरह है, ईंट भट्टे के काम के लिए इन्होंने ट्रैक्टर इनको दिया था। कुछ समय बाद जब फरियादी ने वापस अपना ट्रैक्टर मांगा इनसे, तो जो आरोपी भीम सैन पप्पू है, इन्होंने उनका ट्रैक्टर देने से मना कर दिया, और फरियादी ने इनको लगातार बोला कि ट्रैक्टर चूंकि मेरे नाम पे है, आप मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। उसके बाद में भी जो आरोपी ने उनका ट्रैक्टर वापस नहीं दिया, और इस प्रकार जो अमानत में खयानत का अपराध किया है, जो धारा 406 के अंतर्गत दंडनीय है, और फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी भीमसेन और पप्पू ठाकुर के खिलाफ धारा 406 IPC के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम्स।